पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने देश में बहुत से चुनाव लड़े और लड़वाए हैं। जनता भाजपा को 3 तारीख को जवाब देगी। उन्होंने कहा, जब सरकार पिट रही होती है तो वो प्रशासन और शराब का उपयोग करती है। उन्होंने कहा, ये सरकार सौदे की सरकार है। भोपाल में कमलनाथ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के शहीद दिवस और स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने इंदिरा गांधी और वल्लभ भाई पटेल को स्मरण किया। इस अवसर पर उनके बेटे और सांसद नकुलनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान कमलनाथ ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को जनता का 10 तारीख को जवाब मिल जाएगा। उन्हें जनता पर भरोसा है। उन्होंने कहा, ये सरकार सौदे की सरकार है, जनता लोकतंत्र को बचाएगी और ये मध्य प्रदेश के भविष्य का भी सवाल है। 10 तारीख के बाद हम करेंगे, क्योंकि जनता के मंत में मोबाइल सबसे ऊंची है। ज्यादा ऊपर मत करो, थोड़ा नीचे करो। अरे यार, आपकी आईडी नीचे करो। राजनीति में, चुनावों में, जो मैंने अपने जीवन में इतने चुनाव देखे, चुनाव लड़े प्रदेश में और देश में, लड़े मोबाइल थोड़ा अपने मैं जानता हूँ क्या परिस्थिति होती है विरोधी दल। एक तो स्थिति होती है जब वे हार रहे, एक तो स्थिति होती है जब वो पिट रहे। तब जब पिट रहे होते हैं तब प्रशासन का उपयोग करो, पुलिस का उपयोग करो, इस प्रकार के उपयोग करना शुरू कर दिए, शराब का, पैसे का। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है, मुझे पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश के मतदाता और ये 28 सीटों के मतदाता मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित कर लो भाई। हमारे प्रजातंत्र, हमारे संविधान की रक्षा करें। किस प्रकार ये सौदे की सरकार, ये बिकाऊ की सरकार बनी है और जनता ये समझती है, ये पूरी बात समझ रही है और इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। बोले 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। हम छोटे किसानों ने किस्त जमा करना बंद कर दिया, विश्वास था, बोला है तो करेंगे। ऋण माफी का प्रमाण पत्र भी दिया, 10 दिन नहीं तो 10 महीने में तो हो ही जाएगा, पर हुआ कुछ नहीं। बैंकों ने डिफाल्टर कर दिया, दंड ब्याज लगाया। पैसा जमा करो, कहीं से भी लाओ, साहूकार ने 3% मांगा, नहीं भरा तो कुड़की होगी। बाप दादा की जमीन लग गई दाव पे, पकड़ी उछल गई गांव में। इतना बड़ा धोखा, लाखों किसानों की बलि चढ़ा दी अपने लालच में। किसान को कर्जा माफी से ठग लिए, जे पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। भैया, रमेश भैया आए, खेत की बखंडी कर दी है, ट्रैक्टर का किराया देना है। तेरी भाभी को बोल दे। भाभी, भाभी, वो ये लो भैया, सुनार के यहाँ रख कर दे दो पैसे। ओ भोली भाली, गिरवी रख के नहीं चुकाने हैं, जेब से निकाल कर देने हैं। किसान निधि शिवराज ने 4,000 बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिए। अब छोटे मोटे खर्चों के लिए कर्ज का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। हाँ भाभी, जब जब जरूरत होती है ना, तो विश्वास रहता है कि एक शिवराज है जो हमेशा साथ है। शिवराज है तो विश्वास है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।